स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट सर्विसेज. ओके, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे. वी लर्न दैट इंटरनेट इज़ द बिग लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आर टाइम्स एंड हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी लिव, वर्क, सोशलाइज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा नेटवर्क है जो सबको आपस में जोड़ कर रखता है. और आज के टाइम के लिए, आज हमारे आज के टाइम के लिए इसका इन्वेंशन यानी इसका होना, इसका बनना इंटरनेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी है. कैसे हम रहना, हमारा काम करना, हमारा लोगों से बातचीत करना, हमारी सारी चीज़ें, हमारी लाइफ बिल्कुल इंटरनेट की से बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. इंटरनेट मेड इट्स हम्बल बिगिनिंग इन 1969 when an agency of the US Defense Department set up a computer network to connect four major US universities. This network was known as ARPANET, full form hai Advanced Research Projects Agency Network. ye aapko yaad rakhni hai, theek hai. Soon more universities and research institutes got connected to the ARPANET, creating a bigger network of computers. इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में. तब क्या था, US की एक डिफेंस डिपार्टमेंट था जिन्होंने कंप्यूटर को सेटअप किया था, कनेक्ट किया था US की बड़ी बड़ी चार यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके थ्रू, उनको आपस में इसके थ्रू कनेक्ट किया था इंटरनेट के थ्रू. तब इसको बोला जाता था, जब जो नेटवर्क के थ्रू ये फोर यूएस की यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट हुई थी उस टाइम इसको बोला जाता था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPA नेट, ठीक है. लेकिन कुछ टाइम बाद और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस ARPA नेट के साथ आपस में कनेक्ट हो गई और ये एक और बड़ा नेटवर्क बनता चला गया. नेट, ये जो ARPA नेट था, ये चार यूनिवर्सिटीज़ को जो कनेक्ट करके रखा था, ये नेटवर्क और बड़ा होता चला गया. क्लियर. इन 1972 रे टॉमलिंसन सेंट द फर्स्ट ईमेल वाया ARPA नेट. जो रे टॉमलिंसन थे उन्होंने 1972 में सबसे पहला ईमेल सेंड किया था इस नेटवर्क के थ्रू, ARPA नेट जो ये नेटवर्क है इसके थ्रू सबसे पहला ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सेंड किया था. इन 1982 द वर्ड इंटरनेट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्क्राइब द रिस्टवाइल ARPA नेट. तो सबसे पहले 1982 में ये जो नेटवर्क था ARPA नेट, इसका नाम चेंज कर दिया गया इंटरनेट में. तो 1982 में सबसे पहले ये वर्ड नेटवर्क के लिए यूज़ हुआ, इंटरनेट, ठीक है. सेवरल ईयर्स लेटर, दैट इज़ इन 1989, कुछ सालों के बाद, लगभग 1989 में टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, which has now become the most important service provided by the internet. 1989 में टिम बर्नर्स-ली थे. ये सारे आपको नेम जो हैं ये याद रखने हैं स्पेलिंग के साथ. 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, बनाया, खोजा, इसकी खोज की, जो कि आज इंटरनेट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्विस प्रोवाइड करने में. इन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL पब्लिक नेटवर्क की तरह इंट्रोड्यूस हुई, जो कि इंडिया में एक्सेस की जाने लगी.
एंड बाय द नेक्स्ट ईयर यानी कि 1996 में ऑल मेजर इंडियन न्यूज़पेपर्स पुट अप देयर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। और 1996 में VSNL की जो वेबसाइट थी इसके ऊपर हमारे इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स वेबसाइट पर आने लगे या डलने लगे डेली डेली। द इंटरनेट इज़ स्टिल ग्रोइंग एट द वेरी रैपिड पेस इन इंडिया एंड 20 करोड़ इंडियंस आर ऑलरेडी यूजिंग द इंटरनेट फॉर वेरियस एक्सट्रीमली यूजफुल सर्विसेज इन इट प्रोवाइड्स। इंटरनेट आज के टाइम में भी इंडिया में बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। लगभग 20 करोड़ इंडियंस यानी इंडिया के 20 करोड़ पीपल इंटरनेट को यूज़ कर रही है अलग अलग सर्विसेज के लिए। करेंटली देयर आर मोर देन 3 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आज की डेट में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 3 बिलियन लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सर्विसेज ऑन द नेटवर्क, इंटरनेट हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है देखते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। दीज सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इंटरनेट जो है बहुत बहुत तरह तरह की सर्विसेज जो हैं हमें प्रोवाइड करता है लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, पीपल की जो भी रिक्वायरमेंट है अलग अलग तरह की, उन वो सारी हमें इंटरनेट पे के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। और इन सर्विसेज को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज रखा गया है, कुछ अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट में WWW भी बोलते हैं। इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एसेस्ड वाया द इंटरनेट विद अ वेब ब्राउजर। वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स सबसे पहले आप समझो, हाइपरलिंक्स क्या होता है। हम आप कभी भी देखिएगा, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कहीं आपको ब्लू कलर के कुछ वर्ड्स में कोई सेंटेंस या कुछ ऐसे ब्लू कलर में आपको दिखेंगे, वो उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है, दूसरे पेज पे हम चले जाते हैं, तो वही होते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ब्लू कलर में जो आपको वेब पेज पर शो करता है, जिससे कोई दूसरा पेज कनेक्ट होता है उस लिंक पर। जब हम क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पर जो ब्लू कलर का है, उस पर क्लिक करते ही हम उस लिंक के अंदर चले जाएंगे, यानी कि वो लिंक जिस पेज के साथ कनेक्ट होगा उस हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये हमारे जो इंटरनेट को हम एसेस करते हैं, जो पेजेस होते हैं, जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनके साथ लिंक्ड होता है, इंटरनली लिंक्ड होता है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। हम टेक्स्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, इमेजेस भी, वीडियोस भी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और नेविगेट का मतलब है इधर से उधर जाना। हम हाइपरलिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे गए, हम बैक का बटन प्रेस किया हमने तो हम वापस से सेम पेज पर आ गए जहाँ पर वो हाइपरलिंक था, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स। यानी कि बहुत ये जो हाइपरलिंक्स हैं ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें इनका बहुत कलेक्शन होता है, और इमेजेस, वीडियोस। तो हम हाइपरलिंक के थ्रू जिस भी रिसोर्स को यूज़ करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और URL होता है एड्रेस। आप ऊपर देखिएगा एड्रेस बार लिखकर आता है जहाँ पे www. इस तरह लिखकर आता है इंटरनेट पे, जब भी हम ब्राउज़र में कुछ ओपन करते हैं तो वही होता है URL, एड्रेस होता है। ट्रांसमिटेड बाय वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स, क्लियर। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग मतलब समाज से रिलेटेड है। समाज मतलब बाहर लोगों
सबको आपस में लिंक करके रखना, इंटरनेट या हम कहें कि हमारा जो ये सिस्टम है, जो इंटरनेट है, ये बाहर के लोगों को भी एक साथ कनेक्ट करके रखता है। अब आजकल हम जो फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये इसमें क्या है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कलीग्स, सब हम आपस में कनेक्टेड हैं। सोशल नेटवर्किंग इज़ पॉसिबल इन पर्सन, स्पेशली इन द वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस, द इंटरनेट इज़ फिल्ड विद मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग टू मीट अदर पीपल टू गैदर एंड शेयर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। वंस यू आर ग्रांटेड एक्सेस टू द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, यू कैन बिगिन टू सोशलाइज। दिस सोशलाइजेशन मे इंक्लूड रीडिंग द प्रोफाइल pages of other members and possibly even contacting them. Social networking में, जैसे मैंने आपको बताया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, स्पेशली उन लोगों को जो बाहर की दुनिया के लोगों के साथ जानना पहचानना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, या एक ही जगह पर कई सारे लोग मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। अब देखो, हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, वो एक टीचर पढ़ाती है और कितने सारे स्टूडेंट्स उसमें मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट की वजह से हम सब कुछ आपस में शेयर कर पा रहे हैं। और बहुत फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, सोशलाइज हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं। और इवन हम जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हम जब अपने फ्रेंड की प्रोफाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसके पेजेस, उसकी वॉल, फेसबुक की वॉल पूरी हम रीड कर सकते हैं, पूरा हम देख सकते हैं उसको, क्लियर। नेक्स्ट है ऑनलाइन चैट, ये तो आप सब जानते ही हैं, ऑनलाइन चैट जो कि हम आजकल करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे पढ़ना, हम पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम जितने भी एक टाइम पर हम जितने लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हम हो सकते हैं, एक टाइम पे हम एक पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हम हो सकते हैं, हम इमेजेस सेंड कर सकते हैं, हम वीडियोस सेंड कर सकते हैं, हम सॉन्ग सेंड कर सकते हैं, हम कोई भी ऑडियो सेंड कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम आंसर दे भी सकते हैं और आंसर ले भी सकते हैं, यानी कि हम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। हम पहले एक बात कहेंगे, फिर उस बात का आंसर हमारा फ्रेंड देगा, फिर हम एक बात कहेंगे, तो ये पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें रिसीव कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ इंटरनेट की वजह से, क्लियर। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ के, यानी कि कोई पर्सन है, या हम कहें कि मीटिंग है, वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियोस पे मीटिंग करते हैं, वीडियो पे मीटिंग शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या हम कोई ऑनलाइन कोई वीडियो देख सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन कोई मूवी देख सकते हैं, तो कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ ग्रुप में बैठ करके दूसरे ऑफिस में ग्रुप मीटिंग भी शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक। उसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि हम कोई बिजनेस कुछ खरीद सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी हम उस पर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आपने देखा होगा ऑनलाइन आजकल कितनी सारी चीज़ें हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, हम मतलब उसके बाद हम कैश डिलीवरी भी, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, उसमें पेमेंट के भी कई सारे ऑप्शन हैं जो कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट अपने ये शॉपिंग साइट पर अपने पैसे हम कहीं वो कर सकते हैं, जो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो इनको शेयर कर सकते हैं, इनके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, थिंग्स वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट।
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करके रखती हैं। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इन अ कंप्यूटर, अदर देन द कंप्यूटर वी ऑल्सो नीड अ फ्यू मोर थिंग्स। कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में जो इंटरनेट को हम कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर के अलावा हम किसी चीज़ को कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम उसे वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है मॉडम। आप नीचे देखो, मॉडम एक डिवाइस है। मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद उसको हम जो डिजिटल सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं, और हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू अपने मतलब बेस बना लेते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक मीडियम बन जाता है इंटरनेट, या नेटवर्क तैयार हो जाता है और हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन। आप नीचे देखिए, टेलीफोन लाइन यानी एक केबल जैसी होती है, उसको हम अपने कंप्यूटर, एक टेलीफोन में लगी होती है और दूसरी हमारे कंप्यूटर में, तो हम नेटवर्क, तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन की केबल के थ्रू इंटरनेट ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है ISDN लाइन। आप इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नीचे देखो, कुछ इस तरह की डिवाइस होती है, ये भी मॉडम से 4 गुना ज़्यादा फास्ट काम करती है। ये मॉडम और टेलीफोन लाइन से 4 times तेज़ी के साथ काम करती है, यानी कि हमारे इंटरनेट और ये सब इतने ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं ISDN लाइन में। मैनी टेलीफोन कंपनीज ऑफर ISDN लाइंस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कई सारी टेलीफोन कंपनीज हैं जो कि ISDN लाइन को ऑफर करती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। ये देखो, ये है ISP, ठीक है, ISP। द इंटरनेट द सर्विस प्रोवाइडर कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स अस द फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। द सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली अलाउज द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द चेंज। ये भी एक ऐसी, हम इंटरनेट कनेक्ट करने की फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, सपोज़ करो हमारा स्कूल है या कोई भी कंपनी है, तो उनका अपना अलग नेटवर्क होगा जो कि पूरी कंपनी में ही लोग उसको यूज़ करेंगे। लाइक हमारे स्कूल में एक नेटवर्क है जिसको जहाँ जहाँ कंप्यूटर होगा हमारे स्कूल में, वहाँ सब जगह हम उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। ये देखो, वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र ये होते हैं, वेब ब्राउज़र वो मतलब जिन पर हम अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र हैं, बाकी और भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये हमें कहीं मैसेज स्टोर करने के लिए, सेंड करने के लिए, मैसेज रिसीव करने के लिए, हम वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में हम अपने घर बैठे बैठे ईमेल कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट होता है, मतलब हमें कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस नहीं जाना अपना लेटर सेंड करने, कुछ नहीं, अपने घर पे बैठेंगे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी मैसेज होगा उसको टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे इसके खर्च नहीं होते, और बहुत ईजिली हम अपने मैसेजेस को कर सकते हैं। जैसे कि हम पोस्ट कार्ड या लेटर वगैरह पहले सेंड करते थे तो उसमें हमें कोड लिखना होता था, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, अपने एरिया का पिन कोड, अपनी स्टेट, अपना एड्रेस, हाउस नंबर, ये सब कुछ लिखना पड़ता था। अब ईमेल सेंड करने के लिए हमको सिर्फ ईमेल एड्रेस लिखना होता है और बाकी हमारा जो
इंटरनेट के थ्रू हमारा मैसेज है वो जल्दी से जल्दी सेंड हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट जो ईमेल के लिए एक एड्रेस होता है जो कि सबको बनाना पड़ता है, और इसके साथ हम वीडियोज़, फ़ोटोज़, ऑडियोज़ जो चाहें वो अटैच कर सकते हैं। ईमेल की फैसिलिटीज़ बहुत सारी पॉपुलर साइट्स हैं जो हमें देती हैं, जैसे कि www.yahoo.co.in, एक और है www.gmail.com, एक और है www.rediffmail.com। तो ये कुछ और भी साइट्स होती हैं, ये तीन साइट्स हैं, जैसे इनके ऊपर हम अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम किसी को भी अपनी मैसेज या अपनी ईमेल तैयार करके किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल को किस तरह यूज़ करते हैं ये देखते हैं। टू यूज़ ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट फर्स्ट वन हैज़ टू क्रिएट पर्सनल ईमेल आईडी अकाउंट बाय स्पेसिफिंग यूज़र नेम पासवर्ड। अच्छा, हमें ईमेल आईडी क्रिएट आईडी किस तरह क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम अपना ईमेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना यूज़र नेम देंगे, उसके लिए पासवर्ड तैयार करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा हमसे, और हम किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी क्या क्या हॉबीज़ हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हमारे नेम, हमारा एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी और इस तरह से हमारा एक ईमेल एड्रेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस तैयार होने के बाद अब हम किस तरह ईमेल को बनाएंगे, किस तरह ईमेल तैयार करेंगे और किस तरह सेंड करेंगे। तो ये देखो कुछ इस तरह की विंडो होती है, हमारे ये जीमेल पे खुला हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगी ईमेल आईडी क्रिएट करने की। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ साइड में आपको कंपोज दिख रहा होगा, इस कंपोज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं नीचे, ये ब्लू कलर का एक सेंड का बटन है, यहाँ पे हमें जिसको भी भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये जो टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपनी जो भी फाइल अटैच करना है या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है यहाँ आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या कुछ अटैच करना है तो आप यहाँ फाइल ये यहाँ से कुछ भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ से सेंड कर दीजिए तो आपका मेल जो है वो सेंड हो, आपका मेल कंपोज होकर तैयार होकर सेंड हो जाएगा। ठीक है, अटैच फाइल मैंने आपको बता दिया, अगर आप अटैच फाइल करते हैं मिनट, अगर आप फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो ये देखो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जब आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आएगा, है ना। अब नीचे जो ये आप एक ए है टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उसके बराबर में जो है साइन ये है अटैच फाइल का, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आपकी जो भी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं वो जहाँ भी है आप वहाँ उसको ओपन कर लीजिए, उस फाइल को सेलेक्ट करिए, मतलब A1 क्लिक कर दीजिए और ओपन का बटन है यहाँ, ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे वो फाइल यहाँ पर आपके मेल के साथ अटैच हो जाएगी और सेंड पे कर, जैसे ही वो अटैच हो जाएगा वैसे ही आप उसको सेंड कर दीजिएगा तो वो आपके जिसका भी आपने ईमेल एड्रेस यहाँ रिसिप्टेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पे जिसका भी एड्रेस आपने ईमेल एड्रेस लिखा होगा वहाँ उस एड्रेस पे आपका जो ये फाइल जो भी अटैच करिए ये सेंड हो जाएगी। क्लियर, अब रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, आपके पास कोई ईमेल है आया है किसी का, आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब आप ईमेल को ओपन करेंगे तो आपको एक बटन वहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिप्लाई का, जैसे ही रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, छोटा सा डायलॉग बॉक्स टाइप ओपन हो जाएगा, वहाँ आप जो भी रिप्लाई लिखना चाहते हैं, कुछ अटैच करना चाहते हैं सेम उसी तरह से आप कर देंगे और सेंड कर देंगे तो सेंड हो जाएगा। अब अगर आप कोई मेल है उसको आगे किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप वहाँ जहाँ वहीं पर एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा कि जिसको आप
फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करिए। तो आप उसका ईमेल एड्रेस लिखिएगा और ओके कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा और आपका जो जो भी मेल होगा, जो भी मैसेज होगा वो उस एड्रेस पे सेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एडिंग अ सिग्नेचर टू अ मेल। आप अपने सिग्नेचर किस तरह से उसमें अटैच कर सकते हैं। तो अ सिग्नेचर इज़ अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। ये कुछ पर्सनल होता है, हम अपने जो सिग्नेचर होते हैं वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी मेल यू सेंड टू क्रिएट अ सिग्नेचर। ये अपने आप सब सारे मेल्स के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्लिक आपको कुछ तैयार करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अपने सिग्नेचर। तो कैसे क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन द गियर आइकन, एक गियर आइकन होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू सिग्नेचर टेक्स्ट करके लिखेंगे और आपके एंटर योर न्यू सिग्नेचर टेक्स्ट, आप अपना जो भी सिग्नेचर है उनको आप उसको एंटर कर दीजिए और सिग्नेचर पेज नेक्स्ट टू सिग्नेचर ऑप्शन और सिग्नेचर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो आपके जो सिग्नेचर हैं वो सेव हो जाएंगे और जब भी आप जो भी मेल आप जिसको भी सेंड करेंगे आपके हर मेल के साथ ये सिग्नेचर अटैच होते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है लॉग आउट और साइन आउट। अब ईमेल आपने जब क्रिएट कर लिया, ईमेल का अपना अकाउंट ओपन कर लिया, आप इसको प्राइवेसी प्राइवेट रखिएगा, हर किसी के साथ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना है। और जब भी आप जहाँ पर भी अपना ये लॉगिन करेंगे या ओपन करेंगे वहाँ से लॉग आउट या साइन आउट ज़रूर करना है। अगर ये ओपन रह गया कहीं पे तो आपके इस अकाउंट का, आपके इस ईमेल का कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। क्लियर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे साइड में आपकी फ़ोटो बनी आएगी या आपने जो भी पिक्चर इस पे लगाई होगी, ये देखो इस तरह से लिख कर आया, ये जो के दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ बड़ा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप साइन आउट कर दीजिए, साइन आउट पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये जो अकाउंट है ईमेल का वो क्लोज हो जाएगा। ऑल राइट। तो ये था हमारा इंटरनेट सर्विसेज चैप्टर। मैं आपको एक्सरसाइजेस सेंड कर दूँगी, सब लोग अपनी नोटबुक में डन कर लीजिएगा। ऑल राइट। एक वीडियो भी सेंड कर दूँगी मैं, ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।